हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष अरोड़ा आपके मनपसंद चैनल फ्यूजन किचन में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आज की भी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, दाल तो आपने बहुत तरह की खाई होगी, लेकिन जो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ ना, श्रीलंकन दाल की, इस रेसिपी को अगर आप ट्राई करेंगे ना तो आप अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। दोस्तों, हाफ कप मैंने मलका मसूर की दाल ली है। ये इस तरह से होती है, पिंक कलर की। इसको पहले आपने अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धोना है, फिर आपने आधे घंटे के लिए भिगो के रखना है। भिगोने के बाद आप देखेंगे ये फूल के डबल हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक चौड़े मुंह वाला बर्तन लिया है, इसमें सारी दाल मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ जो मैंने भिगो के रखी थी। और जिस पानी में मैंने भिगोया था वो पानी मैंने सारा ड्रेन कर दिया है, उस पानी को आपने यूज़ नहीं करना। आप सोच रहे होंगे इसको हम प्रेशर कुक भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये दाल इतनी नाजुक है कि ये झटपट गल जाती है। सबसे जल्दी बनने वाली ये दाल है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी आपने उतना डालना है जिसमें दाल पूरी तरह डूब जाए, या फिर पानी का लेवल आपने दाल से 1 इंच ऊपर रखना है। 1 टीस्पून इसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाल देते हैं। साथ ही इसमें आपने एक छोटे साइज का प्याज लेना है, इसको फाइन चॉप करके डालना है। और एक टमाटर लिया था मैंने, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया, इसकी प्योरे बना ली है, ये डाल देते हैं। दोस्तों, अक्सर इंडियन कुकिंग में मसालों को पहले भूना जाता है, अदरक लहसुन प्याज और टमाटर को पहले अच्छे से भूनते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं मैं कच्चा ही डाल रहा हूँ। आप यकीन माने, अगर आप इस तरह से दाल बनाएंगे आपको और आपके परिवार वालों को बहुत पसंद आएगी। 15 से 20 कड़ी पत्ते, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक डाला है। श्रीलंका की ये एकदम ऑथेंटिक दाल की रेसिपी है, इसके फ्लेवर्स आपको बहुत पसंद आएंगे। अच्छे से इसको मिक्स करना है हमने और फिर एक बॉयल आने का वेट करना है। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली, आपको पसंद आ रही है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसको कवर करना है। कवर करके 15 मिनट स्लो फ्लेम पर कुक करना है। दोस्तों, खोल के चेक करते हैं क्या मज़े की खुशबू आ रही है। चलिए दाल को भी चेक कर लेते हैं, दाल भी अच्छे से गल गई है। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं पानी और दाल अलग अलग है। आपने करछी की बैक साइड से दाल को मैश करना है, इसको हल्के हाथों से घोटना है, जिससे क्या होएगा कि दाल का टेक्सचर एकदम बढ़िया हो जाएगा। ज़्यादा आपने इसको मैश नहीं करना क्योंकि हमें थोड़ी खड़ी खड़ी दाल भी चाहिए। दोस्तों, दाल को घोट के मैंने तैयार कर लिया है। अब हमने इसमें कोकोनट मिल्क डालना है, इससे एकदम ही दाल का टेक्सचर, टेस्ट सब कुछ चेंज हो जाएगा। 1/2 कप मैं डाल देता हूँ। जितनी आप दाल यूज़ कर रहे हैं उतना ही आपने कोकोनट मिल्क लेना है। चलिए अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे 10 मिनट और कुक करना है। फिर इसका एक मज़ेदार सा हमने तड़का भी बनाना है। खोल के चेक करते हैं, क्या ज़बरदस्त लग रही है टेक्सचर, आप देखिए कितना बढ़िया आ गया है। फ्लेम ऑफ करते हैं, इसको साइड पे रखते हैं, आगे तड़का बनाना शुरू करते हैं। 2 टेबलस्पून आपने नारियल का तेल लेना है, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें राई दाना डालेंगे और 2 इसमें सूखी लाल मिर्चें डाल देते हैं। दोस्तों, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, बालों में लगाने वाला आपने नारियल का तेल नहीं लेना, जो खाने वाला होता है वही आपने लेना है। अगर आपको गोल मिर्ची नहीं मिलती तो आप सूखी लंबी वाली रेड चिली आती है वो वाली डाल लें। अच्छे से मिक्स कर देते हैं और जीरे और राई दाने को कड़कने देते हैं। चलिए, ये तीनों चीज़ें भून चुकी हैं। अब इसमें हमने गार्लिक डालना है, स्लाइस किया हुआ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 4 क्लोव मैंने गार्लिक के लिए थे और साथ ही इसमें 4 हरी मिर्चें डाल देंगे। इसको स्लिट करके आपने डालना है, अगर आप साबुत ऐसे डाल देंगे उछल के आपके ऊपर आ जाएगी। चलिए मिक्स कर देते हैं और गार्लिक को भी थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इस टाइम पे आप देख सकते हैं गार्लिक का थोड़ा कलर चेंज हो गया है। अब इसमें कड़ी पत्ता डालना है, 10 से 15। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये दाल का तड़का बनके एकदम तैयार हो गया है। दोस्तों, जब आपने दाल को सर्व करना है तभी आपने तड़का ऊपर डालना है,
इस दाल का जो कॉम्बिनेशन है राइस के साथ है, प्लेन राइस बनाएं और ये दाल खाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगी। फिर मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।